हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। इस मानसून में देखिए, सब तरफ मानसून स्टार्ट हो गया है। इस मानसून में चटपटा सा खाने को मन करता है। मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ चटपटी सी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये है हमारा कांदा बड़ा, भजिया बड़ा, जो भी आप बुला सकते हैं, कॉम्बिनेशन वाली रेसिपी है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है राई के दाने, कड़ी पत्ते, धनिया की पत्तियों को लिया है, चिली फ्लेक्स लिया है, एक नींबू लिया है और हल्दी पाउडर लिया है। साथ में लिया है अनियन, उसे चॉप करके रख लेनी है। ये लिया है हमने आलू, उसे मैश करके रख लेनी है, उबले हुए आलू हैं। इधर मैंने फ्राई करने के लिए फ्राई पैन रख दिया है, भाप की वजह से नज़र नहीं आ रहे अभी इसमें। और ये देखिए, इसमें जिंजर गार्लिक को चॉप करके अच्छी तरीके से मैंने डाल दिया, ग्रीन चिली भी चॉप करके डाले थे राई के दाने के साथ। मैंने इसको अच्छी तरीके से तड़का लगा दिया है। जो ऑयल बचे थे वो भी ऐड कर दिया, नींबू का जो रस थे इसमें ऐड कर दिया है और बहुत बढ़िया से बना है, बिल्कुल टेस्टी बना है ये और बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाइए अपने घर पे और शेयर कीजिए। तो मैंने अच्छी तरीके से सारे अनियन चॉप करके रख लिए हैं और इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च के पाउडर ऐड किए हैं। और जब इसमें मैं बाद में इसमें जब नमक डालूंगी, अभी नमक नहीं डालनी है। इसमें नींबू के रस आधा डाले थे पोटैटोज़ में और आधा जो बचा हुआ था हमारा उसको इसमें ऐड किया है मैंने। साथ में मैंने चावल के आटे डाले थे और मैश करके रख दिया धनिया के पत्तियों के साथ। इधर मैंने क्या किया है, इसमें मैंने लिया बेसन, चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार और इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेनी है। मेल्ट करके एक बैटर तैयार कर लेनी है और बैटर तैयार करके इसको रख लेनी है। एकदम थिक बैटर तैयार करनी है, ज़्यादा पतला भी नहीं। अब अनियन को ले लिया है मैंने, इसमें नमक मिक्स कर लिया है और अच्छी तरीके से ये हमने पोटैटोज के डो बना लिए। एक एक से डो बना करके देखें मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, बिजली चमक रहे हैं, बादल गरज रहे हैं और इस मौसम में तो कुछ ना कुछ गर्मा गर्म खाने को मन करता ही है। तो देखें मैंने बातों बातों में ही डो बना के रख लिए हैं। अब अनियन को मैंने साइड कर लिया, अब डो के साथ इसको फ्राई कर लेनी है। इस वक्त नमक मैंने मिक्स किया है, पहले डालने से पानी आ जाते, उसमें पानी छोड़ देता। ये देखिए डो को मैंने बेसन में डिप किया है, डिप करके अच्छे से अनियन के साथ लपेट करके इसको गोला बना लिया मैंने। देखिए एक एक करके गोलों को मैं फ्राई कर रही हूँ, ये गोले हमारे फ्राई हो जा रहे हैं, बिल्कुल हाई फ्लेम पे बना रही हूँ मैं, फटाफट से बन के तैयार हो जाएंगे और चाय का मज़ा दुगना हो जाएगा जब हम इसको निकाल करके चाय के साथ सर्व करेंगे। और ये देखिए गर्मा गर्म बन के करारे से भजिया हमारे बन के तैयार हो गए। इधर मैंने मिर्ची के भजिए भी बना लिए, मिर्ची भी फ्राई कर लिए हैं और हरी मिर्च भी ऐड कर लिया है साथ में। सॉस और केचप के साथ मैंने इसको सर्व किया है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी, ज़रूर बताना, फीडबैक देना मत भूलना। ठीक है, दूसरे वीडियो में आपसे मैं मिलती हूँ, उसके लिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका जो घोल बनेगा थोड़ा सा पतला जैसा बनेगा, इसमें लम्स ना हो इसलिए आप इसमें पानी